आज हमें ऑक्सीजन मिल जाए तो 9,000 बेड, ऑक्सीजनेटेड बेड्स, 9,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स दिल्ली में 24 घंटे में तैयार हो जाएंगे। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी एक घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली, वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। हॉस्पिटल बेड्स की बात करें तो सर, पेशेंट एक एक दिन, दो दो दिन हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियों में वेट कर रहे हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन की वजह से। आज आप हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। हमारे राधा स्वामी में हम लोगों ने 5,000 बेड की तैयारी की हुई है, वहाँ केवल 150 बेड फंक्शनल है, ऑक्सीजन नहीं है। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिला के 1,300 बेड की तैयारी की हुई है, ऑक्सीजन नहीं है। हमने बुराड़ी के अंदर 2,500 बेड की तैयारी की हुई है। अगर आज हमें ऑक्सीजन मिल जाए तो 9,000 बेड, ऑक्सीजनेटेड बेड्स, 9,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स दिल्ली में 24 घंटे में तैयार हो जाएंगे। ऑक्सीजन ही नहीं है। अब दिल्ली अपनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, हम किसके पास जाएं? हम किससे ऑक्सीजन मांगें? आज से एक तरह से सिम्बॉलिक है, आज ये एक ही सेंटर पे शुरू हुआ है 18 से 44 साल के लोगों के लिए। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन्स आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी वॉक इन नहीं है तो सेंटर्स के ऊपर लोग लाइनें ना लगाएं कि भाई मेरी पहले लाइन। सबको अपॉइंटमेंट मिलेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो अपॉइंटमेंट आपको मिले उसी के हिसाब से सब लोग आएँ, बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना अपॉइंटमेंट के ना आएँ। तो परसों से पूरे दिल्ली में शुरू हो जाएगा।